नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही शानदार वीडियो ये होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि ऐसे ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। देखिए, मैन कालवा रोड से मात्र 500 मीटर अंदर की तरफ ये लोकेशन आपको यहाँ पे होने वाली है। बात करूँ मैं मैन पुलिया से, तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ये मैन पुलिया से यहाँ पे होने वाला है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको बाहर की तरफ फ्रंट एलिवेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होने वाली है। फ्रंट भी बहुत शानदार इसका होने वाला। आप हमेशा कहते हैं बड़े फ्रंट के साथ कोई प्रॉपर्टी हो तो वो दिखाइए, तो 28 का फ्रंट मैं शुरू में बताता हूँ, 28 का फ्रंट यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बना हुआ है। देखिए, ये जो है इस तरफ पार्ट, ये नॉर्थ पार्ट है, और अगर मैं देखता हूँ इस तरफ तो यहाँ पे आपको जो है ईस्ट पार्ट मिल जाएगा, यानी कि ईस्ट नॉर्थ का ये कॉर्नर आपको यहाँ मिलने वाला है। गेट आपको जो है छोटा गेट उधर की तरफ से भी मिल जाता है आपको, और बालकनी का पूरा व्यू इधर की तरफ से भी आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर की तरफ सामने की तरफ जो ईस्ट फेसिंग ये इधर वाली है, ये इधर से आपको मिल जाती है। ZD अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होने वाली है, सब डिविजन करवाया हुआ ये पट्टा है, तो सभी मोनिटाइज बैंकों से यहाँ पे लोन भी इजिली आपको मिल जाता है। SBI बैंक से भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। बढ़ते हैं, हम देखते हैं धीरे धीरे कैसे क्या। देखिए, बाहर की तरफ से भी यहाँ एक स्पेशली जो है यहाँ पे बना के दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आराम से आप बाहर की तरफ भी गाड़ी अपनी पार्क यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। कॉर्नर की प्रॉपर्टी का तो मजा ही कुछ और होता है। मेन जो डोर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, आयरन का बहुत ही मजबूत गेट और बहुत ही अच्छे पेंट के साथ इसको यहाँ पे डिजाइन करके दिया गया है। सीढ़ियाँ बाहर से आपको यहाँ पे मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पार्किंग का एरिया, जिसमें आपकी जो छोटी कार आराम से इजिली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। वाटर टैंक का प्रोविजन आपको मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी कैपेसिटी अगर मैं बात करूँ तो लगभग 5 से 6 हज़ार लीटर की कैपेसिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, मतलब साइड में पूरा आपको मैं दिखाऊंगा, अभी उधर से पूरा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। एक एंट्री आपको इधर से मिल जाती है, मेन जो एंट्री है वो इधर से मिलती है, तो मेन एंट्री की तरफ से हम एंट्री लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या चीज़ें बनी हुई है अंदर की तरफ। तो देखिए, लगभग 14x18 की साइज में आपको ये मिल जाता है डाइनिंग और ड्राइंग एरिया, जो देखिए काफ़ी कितना बड़ा डाइनिंग ड्राइंग एरिया ये है। अभी देखिए, मैंने जानबूझ के यहाँ पे लाइट्स बंद कर रखी है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉर्नर प्रॉपर्टी का एडवांटेज क्या होता है। कंप्लीटली सनलाइट आपको यहाँ पे मिलेगी, क्रॉस वेंटिलेशन की तो कोई मुकाबला ही नहीं यहाँ पे। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी पैनल का स्पेस बना के दिया गया है, जो कि वुडन का यहाँ पे काम किया गया है, और काफ़ी बेहतर तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। मेन जो गेट्स हैं उनकी सनमाइका की बात करें तो कुछ इस तरीके से मेन डोर्स की सनमाइका आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। AC फिटिंग आपको प्रॉपर जहाँ जहाँ नीड है AC फिटिंग आपको प्रॉपर वहाँ मिल जाती है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का वर्क भी देख लीजिए, कितने प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग का वर्क भी यहाँ पे आपको दिखाई देने वाला है। ठीक इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको विंडो का प्रोविजन मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा विंडो यहाँ पे आपको दिया गया है। उस तरफ भी देखते हैं, वहाँ पे विंडो का प्रोविजन मिल जाता है। देखो, मैं वही बार बार हाईलाइट करूँ कि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टियाँ बहुत कम रुकती है, तो जल्दी कीजिए, बुक कीजिए। बुक करने के लिए आपको जो बिल्डर के नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ से एक बार दिखा दीजिए इस तरफ, देखिए ये एक पूरा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है, और उधर से मैं दिखाऊंगा दूसरा, उधर की तरफ से एक बार आके दिखाइए कैमरामैन जी वो स्पेस भी। देखिए ये पूरा स्पेस, जैसे मैं इधर खड़ा हूँ तो यहाँ से पूरा, मतलब जो पूरा ये L शेप में स्पेस यहाँ पे दिया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। जो मैं बता रहा था छोटा गेट, यहाँ पे आपको जो छोटा वाला गेट है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ ऊपर की तरफ लैंप के डिज़ाइंस वगैरह दी गई, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको डिज़ाइन करके दिया गया है। डाइनिंग ड्राइंग एरिया की इस तरफ देखेंगे हम तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक वॉशरूम। वॉशरूम के साइजेज देखिए, कितनी अच्छी वॉशरूम के साइजेज है। इंडियन सीट यहाँ पे लगा के दी गई है, टाइल्स का काफ़ी हाइट तक काम किया गया है, वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है। प्रॉपर्टी जो है वो हो प्रीमियम क्लास प्रॉपर्टी होने वाली है, कोई भी कमी आपको इस प्रॉपर्टी में नहीं दिखने वाली। ये देखिए, यहाँ मिल जाता है आपको हैंड वॉश के लिए प्रोविजन, वुडन टाइल्स यहाँ पे लगा के दी गई है जो भी काफ़ी हाइट तक है, जिसकी वजह से सीलन पपड़ी की कोई भी शिकायत यहाँ पे नहीं आने वाली। ओपन किचन आपको मिल जाता है, अगर आप चाहें किचन को बंद करना ऑप्शन है अवेलेबल, यहाँ से आप बंद भी इसको कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ओपन किचन यहाँ पे बिल्डर के द्वारा बनाया गया है। अंदर देखते हैं यहाँ पे तो देखो, मॉडुलर किचन आपको तैयार करके दिया गया है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, इधर की तरफ पूरा परफेक्ट विंडो है L शेप में यहाँ पे आपको मिल जाता है किचन। और बात करें यहाँ पे, देखिए आप अंदर की तरफ रैक्स की, बहुत प्यारी तरीके से रैक्स वगैरह भी यहाँ पे डिजाइन की गई है, पूरा इधर और उधर कैबिनेट्स लगा के यहाँ पे दिए गए हैं, L शेप में है, ग्रेनाइट का टॉप है, और टाइल्स का काम भी काफ़ी हाइट तक यहाँ पे किया गया है। इसका फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप खाना बना रहे हैं तो ईजिली वॉश उनको कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम नीचे की तरफ, एक बेडरूम बना हुआ है, उसका लुक हम देख लेते हैं। देखिए बेडरूम की साइज़ की बात करूँ, लगभग 10x14 के आसपास की बेडरूम की साइज आपको यहाँ पे मिल जाती है। फुली कवर्ड्स का स्पेस आप देखिए, कंप्लीट कितने बड़े कवर्ड्स का स्पेस आपको मिलता है। सनमाइका भी बहुत प्रीमियम क्लास की सनमाइका है यहाँ पे,
और अगर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है आपको वॉल पेंटिंग का बहुत ही यूनिक और बहुत ही प्यारा सा वर्क। यहाँ पे मिलती है आपको प्रॉपर एसी फिटिंग्स और ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का लुक भी एक बार दिखा दीजिए, बहुत ही प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग भी यहाँ पे डिजाइन करके दी गई है। इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे ड्रेसिंग का स्पेस दिया गया है और फुली कवर्ड्स तो देखो जैसे हमने बताया ऊपर और नीचे कवर्ड्स फुली यहाँ पे दी गई है। यहाँ दिया गया है अटैच वॉशरूम इस रूम के साथ, जो कि स्पेस देखिए काफ़ी स्पेसियस है। वेंटिलेशन का परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया, टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। फिटिंग्स वगैरह की बात करूँ ब्रांडेड कंपनी आपको फिटिंग्स भी यहाँ पे मिलने वाली है। फ्रेंड्स अभी हमने नीचे देखा, डाइनिंग ड्राइंग एरिया देखा हमने, किचन का हम लुक देख चुके हैं, एक बेडरूम जो बना हुआ है बहुत ही प्यारे तरीके से उसको भी हम देख चुके हैं। बढ़ेंगे हम ऊपर की तरफ, वहाँ देखेंगे कैसे क्या बना हुआ है। 28 का जैसे मैंने बताया आपको उसका फ्रंट है। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको ये ऐसी ही प्रॉपर्टी की नीड है, जो कि आपके मित्र हैं या कोई आपके फ्रेंड है। देखिए इस तरीके से कुछ आपको मिल जाता है स्टेयर्स का लुक और एसएस की रेलिंग के साथ दिखाते हुए लेके आइए। यहाँ सामने की तरफ ही अगर देखें हम तो यहाँ पे फिक्स ग्लास यहाँ पे आपको मिलते हैं, जो कि बाहर की तरफ से एलिवेशन को बहुत ही खूबसूरती दे रहे थे। सामने यहाँ जैसे स्टेज पे देखते तो यहाँ मिल जाता है बड़ा सा आपको एक विंडो और ऊपर का पोर्शन देख लेते हैं हम जल्दी से कि कैसे ऊपर का पोर्शन यहाँ पे दिया गया। जैसे एंटर करते हैं इस तरफ आपको एक हैंडवॉश के प्रोविजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है, वुडन टाइल्स यहाँ पे दी गई है। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे एक रूम है। रूम की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो रूम की साइज़ होने वाली है लगभग 10x12 के आसपास की रूम की साइज़ होने वाली है। यहाँ पे भी आपको मिल जाता है कबर्ड्स का स्पेस, इस तरफ विंडो का फुली प्रोविजन आपको मिलता है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का लुक भी दिखा दीजिए, काफ़ी प्यारे तरीके से फॉल सीलिंग का लुक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए वॉशरूम साइजेस देखिए, वॉशरूम के अंदर टाइल्स कॉम्बिनेशन देखिए, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे अंदर की तरफ आपको दिखाई देने वाले हैं। वेस्टर्न सीट आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मिलता है आपको बालकनी का एरिया, बालकनी में टफन ग्लास के साथ रेलिंग यहाँ पे दी गई है और वॉशेबल पॉइंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर वुडन स्ट्रक्चर का काम आपको मिलता है। सराउंडिंग एरिया एक बार दिखा दी, यहाँ पे जो है सिंगल प्लॉट भी खाली आपको नहीं मिलने वाला, कंप्लीट बसावट है यहाँ पे, एक भी प्लॉट आपको नहीं मिलता खाली। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन ये होने वाली है। देखिए अगर आप बनवाना चाहते हैं अपने घर का नक्शा, बनवाना चाहते हैं डिज़ाइंस, आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट के नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिए गए हैं, वहाँ आप उनको फ़ोन कर सकते हैं और जान सकते हैं या बनवा सकते हैं अपने तरीके का एक नक्शा जो कस्टमाइज आप बनवाना चाहें। ये मिल जाता है लिविंग एरिया का स्पेस। इस तरफ देखिए जो पेंटिंग के जो वर्क है काफ़ी प्रीमियम क्लास के यहाँ पे आपको मिलते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे फॉल सीलिंग का यहाँ पे भी वर्क आपको मिल जाता है। विंडो, बालकनी, ओपन एरिया, ये इनकी कोई कमी इस फिल्म में आपको नहीं आने वाली। फिर दोबारा से इधर की तरफ विंडो आ गया, यानी मैंने जैसे बताया था आपको कंप्लीट मैंने लाइट इसलिए बंद कर रखी है ताकि आपको पता लगे कि कितनी यहाँ पे सनलाइट आपको प्रॉपर मिल रही है, वेंटिलेशन कितना मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दोबारा से बालकनी यहाँ पे आपको मिल जाती है, इसमें भी टफन ग्लास लगा के दिया गया, एसएस की रेलिंग आपको यहाँ पे भी मिलती है। बढ़ते हम ऊपर की तरफ, हम रूम देख चुके, लिविंग एरिया देख चुके, इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे अंदर की तरफ से एक बार दिखाइए किचन का स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस किचन का यहाँ पे भी निकाला गया। एलसीएफ में यहाँ पे किचन है, वेंटिलेशन में यहाँ पे प्रॉपर ध्यान रखा गया है, मॉड्यूलर किचन यहाँ पे भी आपको तैयार करके दिया गया है। जो लास्ट बेडरूम है उसका लुक हम देख लेते हैं। लास्ट बेडरूम की बात को साइज की लगभग 14x12 के आसपास की रूम की साइज यहाँ पे मिल जाती है, ठीक जैसे नीचे रूम था ठीक उसी तरीके से रूम यहाँ पे बनाया हुआ है। इसमें भी कम्प्लीटली यहाँ पे कवर्स का स्पेस आपको मिल जाता है, इधर ड्रेसिंग का स्पेस आपको मिल जाता है और सामने इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी कलर पेंटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का वर्क भी दिखा दीजिए एक बार। एसी फिटिंग जैसे मैंने आपको बताया हर जगह प्रॉपर मिलती है। इस तरफ इसमें भी एक अटैच वॉशरूम यहाँ पे दिया गया है, जिसका एक बार लुक दिखाइएगा। तो फ्रेंड्स हमने देखा ये जो विला था, विला होने वाला है 3 बेडरूम और बहुत ही स्पेसियस है, 28x32 की इसकी डायमेंशन है, लगभग 100 वर्ग गज के अंदर ये बना हुआ है। प्राइस इसकी जो होने वाली है 66 लाख रुपए इसकी प्राइस होने वाली है। SBI बैंक से भी जो है आप इसको लोन यहाँ पे कर सकते हो, मतलब सभी मोनेटाइज बैंकों से लोन यहाँ पे आप ले सकते हो। लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है, प्रॉपर्टी बहुत ही बेहद खूबसूरत है, कॉर्नर प्रॉपर्टी है। जल्दी कीजिए, निकलने से पहले पहले आप बुक कर लीजिए। बाकी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जो बिल्डर उनके प्रतिनिधि भी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्ट हमको उनको कॉल कर सकते हो। और अगर आप लेना चाहते हैं लोन, होम लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बंदे के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ जाकर उससे भी आप बात कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।